जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, ये है हमारा क्रॉस रिवर मॉल का ब्लॉग। मैं गई थी अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, वो दिल्ली आए हुए थे, आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग क्रॉस रिवर मॉल घूमने गए थे। तो वहाँ का व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। तो बहुत ही हम लोगों ने मस्ती करी और बहुत ही मज़ा आया और सबने बहुत ही इंजॉय करा। यहाँ पर दोस्तों, जो फैमिली मेम्बर्स कंफर्टेबल नहीं थे उनकी मैंने क्लिप्स नहीं ली हैं। उनकी फैमिली में दीदी हैं, दामाद जी हैं हमारे और दो बच्चे हैं, और जिसका नाम यशी है बेटी का, और छोटा अंश है। यशी के साथ तो मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी हैं, सबके लिंक दे दूंगी। हम लोगों ने चैलेंजेस करे थे और आप लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक्स। तो यहाँ दोस्तों, हम लोग अभी मॉल के बाहर ही हैं और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा राइड्स वगैरह लिए थे। हम लोगों ने भी झूला था, ट्रेन वगैरह वाले झूले, और यहाँ पर हम मॉल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और हमारे दामाद जी काम से गए थे तो थोड़ा लेट आए थे। यहाँ पे यशी है, ये मैं हूँ, और हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं और हम लोग सर्च कर रहे हैं। मुझे कुछ फुटवेयर्स लेने थे तो हम लोग इसमें चले गए, लेकिन फुटवेयर पसंद नहीं आए तो हम लोग बाहर आ गए। फिर यहाँ पे बच्चे चला रहे थे ये कार वगैरह, तो अंश भी कहने लगे उन्हें भी चलाना है, तो अंश ने चलाया था ट्रैक्टर। और हम लोगों ने जब तक यहाँ के जो आसपास छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ से लगता था कुछ पसंद आ जाएगा, तो हम लोगों ने वहाँ जाके ट्राई किया, लेकिन कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर है ये श्रीमती का शोरूम। यहाँ की कलेक्शन दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, मैंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग कर रखी है। अगर आप ड्रेसेस, गाउन्स, लहंगा, साड़ीज़ लेना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं, काफ़ी वैरायटी है, तो आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये सारे शोरूम लाइन से लगे हैं और काफ़ी सारे आगे जाके बंद भी हो गए थे, बिकॉज हम लोग काफ़ी लेट गए थे और आधे सारा टाइम हम लोगों ने बाहर ही स्पेंड करा था, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और बाहर बच्चों को राइड्स वगैरह लेने थे, बच्चों के साथ हम लोगों ने भी राइड्स वगैरह ले लिए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था। आगे दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट शोरूम पे। देखिए, पहले ये है स्केरी हाउस। स्केरी हाउस में भी हमें जाना था लेकिन हमें देर हो गई तो हम लोग नहीं जा पाए। तो आगे हम लोग जा रहे हैं पेंटालून के शोरूम में। पेंटालून का शोरूम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ की चीज़ों की, रेट अफोर्डेबल होते हैं, और मैं हर साल सेल पीरियड में यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। इस साल मैंने इसलिए नहीं खरीदा बिकॉज काफ़ी सामान हम लोगों ने कोविड की वजह से हम लोग बाहर बाहर कम जा रहे, तो काफ़ी सामान में हमने ऑनलाइन खरीद लिया था, ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन स्टिल फिर भी हम गए कि शायद कुछ अच्छा लगे, लाइक बच्चों के फुल बाजू की टी शर्ट्स वगैरह मिल जाए तो हम लोग परचेज कर लें, क्योंकि मैं हर साल यहाँ से ज़रूर लेती हूँ। पर ऐसा हमें कुछ नहीं मिला तो हम लोग फिर वापस आ गए। यहाँ फिर हम आ गए नीचे मैकडी में, और मैकडी में बच्चों को लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, साथ में हमें भी लग रही थी, तो हम आ गए यहाँ पे मैकडॉनल्ड में। यहाँ पे चेक हो रहा है हमारा टेम्परेचर और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय, कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़, आलू टिक्की बर्गर, मैक पफ, सब ने इंजॉय करा। थोड़ा ही लिया था हमने क्योंकि हमें बाद में डिनर भी करना था, तो ये जस्ट हमने एक स्नैकिंग के तौर पर लिया था। और यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी गर्म गर्म कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी थी, मेरे हस्बैंड ने और आशु भैया भी गए थे, उन्होंने चाय पी थी, और दीदी और हमने कॉफ़ी शेयर करी थी। अभी तक हमारे दामाद जी यानी कि विकास जी अभी कुछ ज़रूरी काम से गए थे, वो नहीं आ पाए हैं, तो हम लोग तब तक यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। फिर उनका वेट करते करते हम लोग गए यहाँ पे, आगे जा रहे हैं हल्दीराम में, और रास्ते में आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी आई थिंक 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा, तो देखिए आप काफ़ी सारा जो शॉप्स हैं वो बंद हो चुकी थी। बेसिकली हमें शॉपिंग नहीं करनी थी, घूमने के पर्पस से और डिनर के पर्पस से ही गए थे, तो इसलिए हमें टाइम का कोई इशू नहीं था, हम लोग थोड़ा सा लेट ही गए थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हल्दीराम में, पर ऑलमोस्ट जैसे बंद करने का टाइम हो रहा था, जो चीज़ हमारा खाने का मन था वो हमें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई, तो फाइनली हम वहाँ से निकल दिए और अब आ गए हम मॉल से बाहर, और अब हम लोग जा रहे हैं किसी दूसरी जगह डिनर के लिए। और विकास जी से हमने पैचअप कर लिया था कि वो भी सीधा वहीं पहुंच जाएं, बेकार में ही आते, बिकॉज हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, हल्दीराम में कुछ भी वैरायटी नहीं थी खाने के लिए और ऑलमोस्ट बंद सा ही हो रहा था, तो वहाँ मन नहीं हुआ इसलिए हम लोग निकल आए। तो ये स्टार्ट हो गई है हमारी सवारी और हम यहाँ से यहाँ से दोस्तों हम घूमते घूमते पहुँच गए अपने डिनर डेस्टिनेशन पे।
डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया था डिनर के लिए हीरा स्वीट्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। एक वैसी ही जगह थी यहाँ पे जहाँ पे हमें प्रॉपर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन यहाँ पे सब कुछ मिलता है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग हीरा स्वीट्स, बाद में विकास जी भी हाथ के उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए हैं और आगे मेरे हस्बैंड ने फिर प्लेस करा यहाँ पे ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमने थोड़ा नॉर्थ इंडियन खाना मंगाया था और यशी और मेरा साउथ इंडियन खाने का मन था, तो हमने अनियन रवा मसाला डोसा मसाला डोसा मंगाया था और एक मसाला डोसा मंगाया था, बाकी आया था सारा नॉर्थ इंडियन खाना। नॉर्थ इंडियन खाने में वही नॉर्मली जो तड़का दाल, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मसाला पापड़, मिस्सी रोटी, नान, बटर नान जो रहता है नॉर्मली वही खाना मंगाया था। लेकिन खाना बहुत यम था और सबने बहुत अच्छे से खाया, और हम लोगों ने बाद में नॉर्थ इंडियन भी टेस्ट करा था यशी और मैंने, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने साउथ इंडियन खाया था। तो ये है मसाला पापड़, बहुत ही यम था, बहुत ही चटपटा था, देखने से आपको लग ही रहा होगा। और बाद में फिर हम लोगों ने, मीठा खाने का मन नहीं था, तो बाद में हम सब ने इन्जॉय करी आइसक्रीम। मैंने यहाँ किसी ने वनीला ली, किसी ने कॉर्नेटो ली, मैंने यहाँ पे वनीला इन्जॉय करी। और आगे थोड़ी सी बची थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी थोड़ी सी बची है खानी है तो खा लो वरना मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये देखिए मैं उनसे पूछ रही हूँ खानी है तो खा लो वरना मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिनर करने के बाद फिर हम आ गए वापस घर के लिए, चल रहे हैं, ये हम उतर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने डिनर करा था। तो ये था दोस्तों छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। और दोस्तों ये व्लॉग था फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो बहुत जल्दी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे।